इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री सवाट, प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबू जी एवं समस्त परिवार, साबरमती अहमदाबाद गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुम चंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, डीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। शास्त्र पढ़ते पढ़ते पेड़ जीर्ण शीर्ण हो गए, तुम्हारे हाथों में कंपन आ गया, तभी ग्रंथ की बातें अभी तक समझ नहीं पाए। मैं सोचता हूँ कि तुमने सिर्फ सुनना ही महत्वपूर्ण मान लिया है। सुनना महत्वपूर्ण है, पर सुनने के साथ चुनना और महत्वपूर्ण है। गुरुदेव को हम लोगों ने पढ़ा कम, सुना कम है। गुरुदेव को हम लोगों ने 30 साल में कम पढ़ा है, कम सुना है, पर देखा ज़्यादा है। बच्चे सिखाने से कम सीखते हैं, दिखाने से, ये सब कुछ मैं ही बोलूँ क्या? बच्चे सिखाने से कम सीखते हैं, दिखाने से, और हमने गुरुदेव की हर क्रिया से सीखा है। और ध्यान रखना, गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं देता है, गुरु शिष्य को सब कुछ नहीं देता है, चुराने वाले चेले भी होने चाहिए, जो गुरु की अदाओं से, गुरु की मुस्कुराहट से, गुरु की उठने से, बैठने से, चलने से, खाने पीने सब क्रियाओं से सीख ले, वही तो शिष्य है। गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात कही, और वाकई में गुरुदेव यदि घंटे भर और बोल जाएं तब भी तुम्हारे कान तृप्त होने वाले नहीं है, क्योंकि सुनने से कान तो दुखते नहीं है, सुनने से कान तो दुखते नहीं है, बोलने से दुखता है तो किसका? निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव का पावर, गुरुदेव की करंट, गुरुदेव की एनर्जी जब मिलती है ना तो करंट आ जाता है, अधमरे लोग भी जिंदा हो जाते हैं, रोती हुई सूरतें भी मुस्कुराहट से भर जाती हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने कहा कि जो दिखे वो बहिरंग तप है, जो दिख रहा है वो बहिरंग तप है, और जो ना जो नहीं दिख रहा है वो अंतरंग तप है। गुरुदेव ने बहुत संक्षिप्त में 12 तपों का वर्णन, कम शब्द, यूं तो एक एक तप पर गुरुदेव एक एक प्रवचन कर देख, हमने सुना 91-92 में जब दीक्षा को 1.5-2 साल ही हुआ था, उस समय आचार्य भगवान ने प्रतापगढ़ में भक्तांबर पर एक एक कब पर एक एक दिन प्रवचन दिया। इंदौर में सन जब हम घर से आए ही थे सन 86-87 में, इंदौर तुकोगंज आश्रम के बाहर प्रांगण में गुरुदेव प्रवचन, 5,000 आदमी एक साथ, गुरुदेव उस समय जो टाइम की पाबंदी थी वही हमने अभी वही देखा। गुरुदेव समय से, सामयिक से, प्रतिक्रमण से कोई समझौता नहीं करते, फिर कोई चंद, कोई लाल, कोई पाला जाए, गुरुदेव तुरंत वहाँ से खिसक जाते हैं, अपने पास चले जाते हैं। और आज भी वही समय होता है, कोई आए, जगदीश चलो भाई, पर हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, गुरुदेव कहाँ गए? गुरुदेव देखा कि गुरुदेव मंदिर के दर्शन करते करते अभी मैं एक बार आके चला गया, हम गुरुद्वार जल्दी निकल गए। तो गुरुदेव ने कभी समय से समझौता नहीं किया है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही, और वाकई में जो तप जो आप 10 उपास कर रहे हैं तपस्या नहीं है, तपस्या तो वही जो पूरे साल तक इस तपस्या का एहसास बना रहे हैं। जब तुम कभी रात में खाने बैठो तो नहीं यार 10 लक्षण में 10 उपवास की थी, मैं रात में कैसे खाना खा लूं, नहीं मुझे रात में नहीं खाना खाना है। जब तुम्हें प्यास लगे हो तुम पानी पीने रात में पहुंच जाओ, अरे यार 10 दिन जब मैंने पानी नहीं पिया तब मैं नहीं मरा, यदि आज नहीं पीऊंगा तो आज भी मरने वाला नहीं है। और शिव ये भूख प्यास मन का समीकरण है,
यदि तुम सोचो कि मैं बीमार हूं तो तुम बीमार से ज्यादा बीमार हो, और तुम सोचो कि मैं स्वस्थ हूं तो तुम बीमार हो कि भी तुम फिट रह सकती हो। सिर्फ मन का समीकरण सुख तो कुछ नहीं, एक परब्रह्म परिश्रम पर्व है क्या? सम्मिश शिखर की यात्रा जैसा है। अभी सभी जितने उपास लोग कर रहे हैं, अभी आपकी यात्रा गणधर टूंक तक हो गई है, वहां तक आप निकल गए हैं। अब आप चंद्रपुर स्वामी से क्रॉस हो रहे हैं, अब आदिनाथ की चप्पा चल रहे हैं। तप, उत्तम तप, तप यानी आत्मा का स्वभाव, जो गुरुदेव ने बतलाया, जो गुरुदेव ने कहा, जो तपता है वही पकता है। और गुरुदेव ने बहुत प्यारी बात कम समय में कह दी, जो तुम्हारा संसार आंखों से दिख रहा है वो संसार तो छोटा है, जो तुम्हारे भीतर बसा पड़ा है संसार के प्रति अटैचमेंट, वो संसार ज़्यादा खतरनाक है। यदि तुम्हारे आप जहाँ रहते हैं उस कॉलोनी उस मोहल्ले में, यदि आपने एक बहुत सुंदर बहुत अच्छा एक नया मोबाइल लेके आए और पूरे उस कॉलोनी में किसी के पास वैसा मोबाइल नहीं था, तुम्हारा भाव देखा आई एम समथिंग बाकी सब नथिंग, और वैसा ही मोबाइल किसी दूसरे बंदे के पास पहुंच जाए, तुम्हारे अच्छे मोबाइल का सुख 50% बचता है। गुरुदेव ने भी कहा ना कि तुम्हारा सुख जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसका सुख नहीं है, उसके पास क्यों है इस बात का कहते ना कि जब जापान में लाइट जाती है तो लोग अपना फेस चेक करते हैं, जब वही लाइट अमेरिका में जाती है तो लोग पावर हाउस में फोन करके बोलते भैया लाइट क्यों नहीं आ रही है, और जब वही लाइट भारत में जाती है तो लोग पड़ोसी का घर देखते वहां लड्डू बल्ब वहां बल्ब जल रही है क्या, यदि वो वहां जल जाए तो अपने घर में लाइट क्यों नहीं, उसके घर में लाइट नहीं इस बात का दुख नहीं है, वहां क्यों जल रहा है इस बात का, बस यही है तप का विपर्यास। गुजारिश आपसे कर रहा हूं, कहते ना कि अपना बच्चा रोए दिल में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए किसने कहा ये, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है, अपनी बीवी रोए सिर में दर्द होता है, पड़ोसी की रोए फालतू बातें बहुत करती हो तुम। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध, क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट अपने से नहीं है पड़ोसी से है, जितना तुम अपनी भी अपने घर परिवार को बच्चों को देख के नहीं मुस्कुराते हो उतना तुम पड़ोसी और पड़ोसन को देख के मुस्कुराते हो। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही, गुरुदेव ने कहा आदमी भीड़ का एक हिस्सा है और बाकी में एक हिस्सा है। आज का आदमी भीड़ में होकर के भी अकेला है, आज का आदमी भीड़ में होकर के भी अकेला है, और अकेला होकर के भी आदमी भीड़ में फेसबुक खोल के बैठा है, दोस्तों से चैटिंग चल रही है, अकेला होकर के भी भीड़ में है और भीड़ में होकर के भी। अब सबके बीच में एक लड़की की शादी हो रही थी, भावरे पर फेरे का समय था, पंडित कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था, वो लड़की अब लंबा घूंघट डाल करके बैठी थी नीचे मुँह करके, 4 घंटे हो गए वो नीचे मुँह करके बैठी है, नीचे मुँह करके पंडित लोगों ने कहा कितनी चरित्रवान है, कितनी सुशील, कितनी समझदार, इसने पल्ला भी नहीं खोला, देखा भी नहीं किसी को। उससे कहा बेटी तेरे गर्दन में दर्द नहीं हो रहा है, उसने नीचे देखा दारू थी तुम उसमें भी चेटिंग कर रही है। निवेदन कर रहा हूं अटैचमेंट, यदि बच्चे के सामने चॉकलेट सोने की अंगूठी रख दो बच्चा किसको उठाएगा, ओके, बच्चे के पिता के सामने वही अंगूठी सोने की और चॉकलेट डाल दो बच्चे के बाप किसको उठाएगा, वही दो चीजें अंगूठी सोने का अंगूठी चॉकलेट कैडबरी चॉकलेट 200 ग्राम की भिखारी के सामने रखो वो किसको उठाएगा, बड़ा अनुभव तुमको भिखारियों का, क्योंकि हमारा मन भी भिखारी ही है, भिखारी के सामने रखो वो दोनों को उठाएगा, और साधु भाई दोनों चीजें कैडबरी चॉकलेट और सोने की अंगूठी संत के सामने रख दो वो किसको उठाएगा, हाथ भी नहीं लगा, क्यों, क्योंकि उसका उससे अटैचमेंट
रागी को राग अच्छा लगता है, बीत रागी को वैराग्य अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ एक नौकर, सेठ ने कहा बेटा रामू जा, मैं दुकान जा रहा हूँ, घड़ी लेके आ। घड़ी ला रहा था कि अचानक घड़ी का वो कांच पहुंच रहा था कि धोखे से वो घड़ी उसकी छूटी और नीचे किसने का गिर के तू देख रही था, नीचे गिर गई, अभी नहीं गिरी क्या कर लेगा तू, बस गिरने वाली तो उसने तुरंत पकड़ लिया, गिरते गिरते बच गई, नहीं गिरी अभी, जब कहूंगा तभी गिरेगी। और जैसे ही वो घड़ी सेठ की दी और धोखे से वो घड़ी तो वहीं बैठी थी क्या, गिर गई घड़ी, नीचे गिर गई घड़ी, गिरते ही चकना, एक माइक लगा दे भी तू सबके सामने, घड़ी का चूर चूर हो गया। सेठ एक झापड़ दिया व्यू को, राडो कंपनी की घड़ी 8 लाख की घड़ी थी, तूने बर्बाद कर डाली, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं तो अच्छे से पहुंच के ही ला रहा था, धोखे से छूट गई, गलती मुझसे हो गई, तेरी ये गलती ने मुझे 8 लाख का नुकसान कर दिया। सेठ दुकान नहीं गया, भोजन नहीं हो रहा है, सेठ माथे पे हाथ रख के बैठा है कि यार इस रामू ने आज मुझे बर्बाद कर दिया। सेठ शाम हो गई, रामू भूल गया, सॉरी बोल के क्षमा, अपना काम तो हो गया, अब सेठ जाए मरे जी है क्या मतलब अपने को, नुकसान तो सेठ का हुआ। शाम को 6 बजे सेठ ने चिंतन बदल दिया, अरे सेठ बोला अरे बेटा रामू इधर आ, जी मालिक, अरे बेटा रामू आज जो तूने गलती की है ना, वो घड़ी बेटा मैं तुमको ही देना चाहता था, लेकिन क्या करूं वो घड़ी तुमने पटक दी, मैं क्या करूं 8 लाख की घड़ी थी रामू, वही छाती पीट में बर्बाद हो गया। मैं रात भर रामू सोया नहीं, उसकी पत्नी रामकली ने कहा अरे सो जा मुझे नींद ना आए, आए। अब उसको रात भर, जब तक उस व्यक्ति का रामू का घड़ी से अटैचमेंट नहीं था तब तक वो बिंदास खा भी रिया, इडली डोसा सांभर रसगुल्ला सब कुछ खा रिया, जहां सेठ ने कहा बेटा ये तो मैं तुमको ही देना चाहता था पर क्या करूं तुमने ही अटैचमेंट। और मैं दिल से कहूं अभी तुम्हारा धर्म से अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ तुम आते हो बैठते हो सुनते हो जाते हो करते हो पर अटैचमेंट नहीं है। यदि तुम्हें दिन में एक बार चाय ना मिले तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए, दिन में तुम्हें चाय ना मिले सिर में दर्द हो जाए पर भगवान का दर्शन ना मिले तो कहीं कोई दर्द नहीं होता है, ये तुम्हारा अटैचमेंट है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर, आपसे ही कह रहा हूं, परवराज पर्युषण प्रभु समेश कर की यात्रा जैसा है, अब उन तपस्वियों को हिम्मत से काम लेना है क्योंकि बस उनकी यात्रा अब उत्तरार्थ पर है। और तुम कितनी ही यात्रा कर लो, कितनी ही यात्रा कर लो, यदि पारसनाथ की टोंक तक नहीं पहुंच पाओ तो दिल में एक अरे यार यात्रा तो की लेकिन पारसनाथ तक नहीं पहुंच पाए, वो अफसोस रह जाता है, वो टीस रह जाती है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, उत्तम तप का मतलब है आत्मा के स्वभाव उत्तम। कल उत्तम गुरुदेव ने कहा कल उत्तम संयम था, कल हमने अपने मन को विषयों से मोड़ा कि भाई विषय वासना में तुम जितना डूबोगे तुम उतना दुखी परेशान रहोगे, और आज गुरुदेव ने कहा कल तुमने विषयों से मन को मोड़ा था आज उत्तम तप कहता है तुमको आज मन को मरोड़ना है। गुरुदेव कह रहे नींबू निचोड़ दिया, नींबू का निचोड़ दिया पूरा, एक बूंद भी रहा और जो रस बचता उसका भी तुम उल्टा छिल करके उसको भी बर्तन से मांझ देते हो, पूरा सत्या उसका नींबू का तो पूरा कचूमन निकाल डालते हो, और ज्यादा चले तो कोई हेती हो तो उसको दांत से रगड़ दांत में रगड़ने बैठ जाती हो, अरे यार इससे दांत और चमक जाते हैं, तुम्हें कुछ मिल तो जाए फिर तुम देखो उसका तो कचूमरी निकाल दो, बस मिलना चाहिए। निवेदन आपसे गुरुदेव की बातें, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के अनुभव, गुरुदेव की गुरुदेव का ज्ञान शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं।
गुरुदेव ने कहा तप का अर्थ है हंस दृष्टि को प्राप्त हो जाना, शरीर से आत्मा को पिंड जानना, अपनी इच्छाओं का निरोध कर लेना। अब तप का, जिसने तप को पा लिया फिर वो डिमांड नहीं करेगा, मांगेगा नहीं। देखें गुरुदेव, हमने जो भी बोलता हूँ गुरुदेव के मुख से ही सुना है। गुरुदेव ने आज से 15 साल पहले कहा था, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता, वो लड़की जिंदगी भर उस पति से मांगती है। जब भी घर जाए हमारी मांग पूरी करो, किसने कहा था भरो, नहीं किसने कहा था भरो, अब पूरी करो। जिंदगी बेचारा गदा मजदूर, ना धोबी का गड्ढा घर का ना घाट का, जिंदगी भर वो घर दुकान मजदूर कर रहा है। जब जब भी घर जाए हमारी मांग पूरी करो। जब इतनी होशियारी में महिलाएं हैं, इतना सी लगा लेंगे थोड़ी सी, वो भी थूक उसके साथ जन्म भी ले ले तब भी तुम्हारी मांग पूरी। जब पार्वती शंकर जी पार्वती की पूरी नहीं कर पाते तो तुम कौन से खेत की मूली हो। एक बार वो लड़का लड़की की मांग भरता है, जिंदगी भर वो मांगती रहती है हमारी मांग। और आचार्य कहते हैं उत्तम तप का अर्थ है मांग को ब्रेक दे देना, खत्म कर देना। और बाकी में देखो ना, वो लड़का जिंदगी भर भागता दौड़ता रहता है किसके लिए, हमारी मांग। अब तो ये भरती नहीं है, भरना ही नहीं, लेकिन पूरी करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये तप 3 प्रकार का है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। सात्विक तप कहता है स्वयं को पाने के लिए, जो भी जो तपस्या, जो आप तपस्या कर रहे हैं दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी का प्रलोभन से भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, साधना का मार्ग भगवान बनने का मार्ग है। राजसिक तप इस सब अहंकार के लिए होता है, भगवत लपाट लगा ली, बड़े बड़े बाल करके बैठ के 15-15 दिन 20-20 दिन तक उल्टे खड़े हैं, वो भी तप है, राजसिक तप है, जो अहंकार के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हो रहा है। कुंभ के मेले में कभी पहुंच जाओ देखने को मिल जाएगा। और तीसरा तामसिक तप है, जो दूसरों को दुख देने के लिए है, मैं तुमको तेरा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तू समझता क्या है अपने आप को। निवेदन कर रहा हूं, जैन दर्शन में इन सब तपों से ऊपर उठने की बात कही है। इन सबसे जो ऊपर उठता है वही उस तप को प्राप्त कर पाता है। तो जितना जो तुम, एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, जो तुम्हारे पास है तुम उससे खुश हो या जो नहीं है उससे दुखी हो? तो काय को दुखी हो, सुखी हो, आपको सुखी होना है? चलो हाथ जोड़ो, बोलो हे गुरुदेव, आज से मैं जो मेरे पास है मैं उसमें ही संतोष रखूंगा, नए पाने के लिए अपने मन को खराब नहीं करूंगा। गुरुदेव ने दोपहर में कहा ना, तत्वार सूत्र में कहा कि देखो एक वो महिला आई, उसने कहा कि मेरे गुरुदेव मेरे पास 365 मैं 365 साड़ियों का निम लेती हूँ, घर जाके गिना साड़ी 450 निकली। अब सोचो आप, नहीं साड़ी रखना बुरा नहीं, रखो। गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात कही कि हमारे घर में जितना सामान पड़ा 10% ही सामान यूज होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्रेष्ठ स्वार्थ प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबू जी एवं समस्त परिवार, साबरमती अहमदाबाद गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुम चंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, डीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी।